तो ये कोई भी सीनारी उसमें से आइडियल नहीं है एक वुमन के लिए जिसने डिसाइड कर लिया है कि शी वॉन्ट्स टू तो गेट बैक टू तो वर्क सो so, uh, मैंने सोचा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो लिटिल फिक्सेस पे जरूर डिस्कस होना चाहिए एंड आई इन्वाइटेड दिव्या कपूर टू टॉक अबाउट दिस उनके साथ ये अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ था उनकी आईटी कंपनी में तो वो आज के एपिसोड में अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और वो ये भी बताएंगी कि उनको सपोर्ट कैसे मिला और एक्चुअली एक वुमन क्या चाहती है जब वो मदरहुड के बाद अपना ऑफिस दोबारा से ज्वाइन करती है दिव्या एक पॉडकास्टर भी है तो चलिए फिर सुनते हैं कि कैसे रहे दिव्या के एक्सपीरियंसेस। देयर वेलकम टू लिटिल अ पॉडकास्ट फॉर दैसी क्लासी एंड लिटिल चूसी भारतीय नारी दिस मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं टू गेट क्लोजर टू द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव

स्पेशली जो न्यू uh, मदर्स के साथ होता है जब वो अपनी डिलीवरी के बाद वापस से वर्क प्लेस ज्वाइन करती हैं तो दिव्या uh, के साथ भी ऐसा कुछ हुआ और उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे व्हाट डिड शी एक्सपेक्ट फ्रॉम अवर एम्प्लॉय बहुत सारी बातें होंगी दिव्या से बट सबसे पहले लेट्स वेलकम दिव्या ऑन लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट हाय दिव्या हाय मेत्री थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर दैट इंट्रो थैंक यू दिव्या फॉर गिविंग अस योर टाइम दिव्या मैंने आपको बताया कि शी इज अ पॉडकास्टर एंड हर पॉडकास्ट इज कॉल्ड मॉमी ट्रैक डैडी विस्पर्स तो पॉडकास्ट right. के बारे में हम लोग एंड में थोड़ा सा जरूर बात करेंगे बट उससे पहले हमें जानना चाहेंगे कि दिव्या आपकी आप किस इंडस्ट्री में पहले वर्क करते थे और बिफोर बिकमिंग अ मदर आपके साथ और आफ्टर बिकमिंग अ मदर क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू डूइंग द बेस्ट इन दिस कोविड टाइम्स एंड आई होप यू ऑल आर गुड एंड इन द बेस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ टू स्टार्ट विद आई वर्क इन एन आई डिपार्टमेंट आई वर्क इन एन आई कंपनी And um, my experiences before uh, maternity were good. Mm -hmm. There was no change that I felt. But when I went back after maternity, mm -hmm. and I took a gap uh, from the exact jo ek maternity period hota, yeah, I took a little more time from that. But when I came back, I mm -hmm. saw that my career path mein, there's a gap. There's a gap of a year which I wanted to fill in by working hard, and I was extremely thrilled that I'm back. And I get to work, and I may have, you know, I had some dreams of reaching here and there on the corporate ladder. So mm -hmm. I pitched for that when I came back. Mm -hmm. uh, but somehow, um, ye jo unfair practices that we are talking about they were not like right in my face. Okay. So when I um, pitched for a career path for myself, I met with the statements like. आप तो जल्दी आते हो जल्दी चले जाते हो एंड इट राइट नाउ एंड टोल्ड ना आर श्योर यू हैवर ओन कमिटमेंट आर अव मदर वी वॉन्ट इट इजी मतलब अपॉर्चुनिटी दी नहीं पहले बोल दिया ये सब हांजी और इतनी बातें जब किसी को कह दोगे तो वो डिसील करेगा Mm -hmm. um, even if it's not right in your face even if they are you know in between saying you're very good we know you are good enough you know we uh, you know we know you'll reach there but um ko define so that way i met with that and i was uh, quite discouraged mm -hmm. um, and and, and, I, and i had a word with some of my friends i had a word with my cousins um, i did get a glimpse of this happening in a lot of places mm -hmm. so you hota hai and the, and a lot of us sometimes we fight for it, and that's an additional fight. We're already fighting so many things new mother, family, <laughs> baby, office, and managing everything. And that's an additional fight that one has to do. Mm -hmm. and, and I think uh, this is something that uh, happened at workplace, and it happens at, at a lot of places. Uh -huh. Yes, yes. So uh, uh, there is a movie called Ribbon. I don't know if you have seen it. Or not? Uh, कल के केकला एंड uh, सुमित व्यास थे उस मूवी में और उसमें भी यही चीज दिखाई गई थी कि वेन शी जॉइंट पोस्ट डिलीवरी उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है ऑफिस में उसमें भी बहुत ही सटल गैस लाइटिंग वाला ही दिखाया था उनका बॉस भी डायरेक्टली कुछ नहीं कहता था बट इनडायरेक्टली कि वही चीज़ कि तुमने तो uh, गैप ले लिया था और अब चीज़ें चेंज हो गई हैं तुम्हारी सिचुएशन भी चेंज हो गई है तो इस तरीके से आपको वो फील करा देते हैं कि यू आर नॉट अप टू दिस

while i was working hi thi, uh, mm. with some friends or something so i've lived that kind of a life where i was not with family for a lot of time so when i got married and become, became a part of a family mm. the one thing that i realized was i was not taking the pressure of the work back home so, mm -hmm. jaati thi, the scene was absolutely different <laughs> as opposed to jame i was always screaming uh. i was living alone and then uh, you live with family that's the beauty of family mm. uh, it, it helps you de-stress mm. in a lot of ways तो जो भी किड्स को रेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो मदर के ऊपर ज्यादा आती है

हाँ तो, ये अर्सली जब लोग ये वेमेन से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बेबी होने के बाद आप वापस वर्क ज्वाइन करेंगी मैन से कोई नहीं पूछता है तो इसका एक ये भी रीजन है आई एम नॉट सपोर्टिंग आस्किंग दिस क्वेश्चन बट इसका एक रीजन भी है मतलब कभी कभी लोग शादी के लिए भी पूछ लेते हैं कि आप शादी के बाद वर्क करोगी इट डज नॉट मेक एनी सेंस बट अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे के लिए आई थिंक वेमेन जो होती हैं वो प्राइमरी केयर गिवर नेचुरली होती हैं तो इफ अ मदर इज देयर तो लोग अक्सर ही पूछ लेते हैं कि विल यू बी एबल टू जॉइन द वर्क बैक तो ठीक uh, है मे बी शी विल मेक दिस डिसीजन और शी विल नॉट लेकिन अगर शी इज टेकिंग दिस डिसीजन कि मुझे वर्क वापस ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली शी अंडरस्टैंड हर सिचुएशन शी अंडरस्टैंड वर्क सिचुएशन अपनी फैमिली की सिचुएशन वो सब मैनेज करके ऑर्गेनाइज करके ही वर्क पे वापस आ रही है आफ्टर दैट आई डोंट सी एनी पॉइंट इन मेकिंग हर रियलाइज की क्या कर रहे हो आप आप ये नहीं कर पाओगे चाहे डायरेक्टली बोल रहे हो चाहे आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो राइट

Mm -hmm. into working a lot more and i okay. have that and i have that problem i've had that problem from uh, right from my previous companies too i am somebody if you have a little pressure, i would be working 10 times so <laughs> 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 i think it also you know and mm -hmm. when somebody is trying to you know get work out of you and if they can create that kind of a pressure they know you'll be doing tenfolds mm -hmm. so that, that's from a business perspective that's mm -hmm. a good thing mm -hmm. but that uh, pressurized me into uh, because uh, I met with something wherein they were saying that you'll have to prove yourself all over again. Mm -hmm. Okay. Uh, अगर आप वापस आए हो, mm -hmm. the things have changed and <laughs> know, चाहे आपने उससे पहले दस साल काम किया हो, लेकिन अगर आपने एक साल का break ले लिया, तो you have to start from zero. Yeah, right. So आपको ऐसा, you know, that kind of a platform is set for you कि आपको फिर से सब कुछ करना है. So, women they those who are ambitious, mm -hmm. they would come under a lot of pressure and this is where मैं uh, ये चीज uh, I want to bring in कि हम बहुत बार we see women going back to work mm -hmm. as a need and uh -huh. by, we, just because of these societal pressures and these extra fights that we that we add um, to their you know uh, existing fights that they're you know undertaking uh -huh. uh -huh. by, by women, they go to work and they just want it to keep working they would not not ask for a raise they're working the same as anybody else mm -hmm. they would not even expect a promotion

ड्राइव आपकी अपने आप खत्म होने लगती है कि आपको लगता है है अब नहीं शायद इतना हो सकता बिकॉज़ आप आपका जो बार है 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 वो बहुत बहुत हाई हो हो गया गया इम्प्लॉय थ्रू दिस तो आपको कहीं कही ना कहीं लगा होगा कि काश ऐसा होता तो ये मेरे लिए ज़्यादा ऑप्टिमम होता मैं मैं इसमें वर्क कर पाती अपना 100 दे पाती अपना तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होगी एक आइडियल uh, सिचुएशन में इसका आई आई थिंक कैन गिव एन एन आंसर फॉर दिस विद सो आफ्टर सम टाइम दैट आई वाज इन रोल माय वर्क

Can we pitch for it right now? She said, yeah, I can do that. I'll talk to, uh, talk to everybody about it. And she fought for me. And Achha. she said, that is where wow. we want to bring in change. That is where we want this If a woman is coming back after maternity and in the time span, just time span may in the same fiscal year, if she has worked more than similar resource, you don't look at the timeline, you look at the deliverables, you look at the amount of work, you do, at the role the person is playing. So hmm. that should be irrespective and mm -hmm. she fought for it and to be honest it went up there my, my uh, case was built and it went mm -hmm. up there so that is the kind of example we want to set for mm -hmm. uh, women in the workplaces and i think um, we want we, we would need more men and women like that to help and support uh, mothers and women uh -huh, yeah. haan, matlab, as a reliable and authentic uh, help and support rather than saying you are cushion a cushion. right एग्जैक्टली exactly. <laughs> क्वेश्चन नहीं चाहिए थोड़ा चाहिए है ना थोड़ा सपोर्ट थैंक यू फॉर सेइंग दैट हम ही दीजिए क्वेश्चन बट जब हम आपसे मांगे तब दीजिए तब क्वेश्चन एग्जैक्टली exactly. मांग अभी जो चीज चाहिए हमें क्योंकि हमने इतने साल काम किया आप हमारा वर्क भी तो देखो जो पहले किया है ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम जीरो पे आ गए और फिर से वही सब करें कि अपने आप को फिर से प्रूफ करना है

जाते हो, में, घर पे भी यूर डूंग <laughs> sure को तीन बजे किसी का रिस्पॉन्स आना है, तो you know, है नहीं आया मुझे <laughs> ये तो है आज मैं अपने हस्बैंड से इसीलिए जब ये टॉक था मैंने उनसे उससे पहले पूछा कि ये बताओ आपकी कंपनी में क्या होता है वीमेन के को लेकर उनके जो आ, बिहेवियर है यह सब तो फिर ये एक्सप्लेन टू मी उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में ऐसा नहीं होता है और इक्वल रिस्पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलती है और तो सपोर्ट भी काफी होता है उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि उनके जो आपके सीनियर सीनियर मैनेजमेंट पहले से करता आ रहा है आप वही देखोगे फिर जो जब आप उस लेवल पे जाओगे आप भी वही करोगे वेरी गुड कंपनी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती की वो मटर्निटी आई है वो मेरिट पे बेस्ड होता है क्या किया है अनसेड

करेजमेंट और uh, क्योंकि जो वापस वर्क इट इज अ वेरी बिग डिसीजन इसके बारे में आई टॉक टू वन मदर इन वन ऑफ अवर एपिसोड विथ करुना स्पोक अबाउट इट और मैंने उनसे पूछा कि हाउ डिड शी डिसाइड तो उनका क्वेश्चन तो उनका आंसर ही यही था कि बिफोर यू डिसाइड की बच्चा रेडी है कि नहीं यू हैव टू यू योर सेल्फ हैव टू भी रेडी पहले आप अपने आपसे पूछो कि आप रेडी हो कि नहीं तो अगर आप रेडी हो आप इतना बड़ा डिसीजन लेके जा रहे हो तो यू डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटी

Mm -hmm. and i'll be up in response okay or apni uh, podcast ke bare mein hame thoda sa zarur bataiye right so uh, the name of my podcast is mommy track daddy whispers and mm -hmm. this mommy track is not the same as the <laughs> mommy track हमने डिस्कस <laughs> किया although it means that literally mm -hmm. but mera mm -hmm. uh, idea ye tha mommy track daddy whispers naam rakhne ka ki a mother's track mm -hmm. uh, okay uh, uh, is very different from right. what it was before she became a mother mm -hmm. so a lot of things changed your time is एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉट योर्स एंड आप बहुत सारी चीजें सीखते हो कि प्लानिंग से सब कुछ नहीं चलता एड हॉक बहुत कुछ होता है तो आपको यू हैव टू लाइक मैनेज विद हॉक द पेशेंस इंक्रीजेस एंड ऑल ऑफ दैट सो अलॉट ऑफ थिंग्स एंड विच इज माई आई सी मदर्स ट्रैक इज डिफरेंट फ्रॉम एंडी विस्पर्स बिकॉज वी टॉक अबाउट पेरेंटिंगल्थ एंड ऑल ऑफ दैट And we talk about parenting uh, from the point of view of uh, it being a balanced uh, approach, mm -hmm. it being a process rather than an end goal, and wherein both men and women should take mm -hmm. uh, their share of the responsibility. And which I see uh, today, a lot of men are taking in. Mm -hmm. So it, uh, which is why we have kind of an inclusive uh, uh, mm -hmm. talk about parenting where we include both men and women. ओके okay, सो so, uh, दिव्या के पॉडकास्ट में जिस भी चीज़ों की बातें होती हैं इसमें एक मदरहुड का एंगल होता है एक विमेन uh, का एंगल होता है और साथ में मेन का भी uh, क्या कंट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड भी एक एंगल रहता है हाँ जी.

थैंक यू सो मच इतना सारा बातें करने के लिए ओपनली शेयर करने के लिए क्योंकि कई बार होता है कि वुमेन शाय अवे फ्राम शेयरिंग की मैं बोलूँ की नहीं बोलूँ आगे मेरी अपॉर्चुनिटी बंद न हो जाए बोलने से बट यू टॉक ओपनली अबाउट इट आई एम श्योर की बहुत सारी वुमन को सपोर्टिव वर्ड्स आपके अच्छे लगेंगे उनको अच्छा लगेगा सुन के थैंक यू थैंक यू मेत्री थैंक यू फॉर है Uh, you know, आप बहुत सारे और विमिन को लेके आते हो लॉर्ड ऑफ अदर पीपल टू टॉक अबाउटिविटी एंड गुड वर्ड नो एम सो बैट थैंक दिव्या के एक्सपीरियंसेस से आप रिलेट कर पाए क्या या फिर अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ हो तो आपने किसी और के साथ ऐसा होता हुआ देखा हो कि अनफेयर ट्रीटमेंट एट वर्क प्लेस तो हमें जरूर बताइए ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में ऑनअ इंस्टाग्राम हैंडल एट लिटिल फिक्स पॉडकास्ट साथ ही अगर आप जानते हैं कोई ऐसे रिसोर्सेज जहां पे वुमेन को हेल्प मिल सकती है या फिर अच्छी कंपनीज जहां पे वुमेन फ्रेंडली पॉलिसीज हैं मदरहुड फ्रेंडली पॉलिसीज हैं तो उनके बारे में भी हमें जरूर बताइए इंस्टाग्राम पे और अगर आपको लगता है कि, कि किसी और लेडी की इस एपिसोड को सुनने के बाद हेल्प हो सकती है तो प्लीज उनको इस एपिसोड के बारे में बताइए और नेक्स्ट एपिसोड होगा काफी स्पेशल बिकॉज इट विल बी आवर फिफ्टी एपिसोड तो उस एपिसोड का वेट करो और सदा सैसी रहो बाय